आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस से फैलने वाली गंभीर बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने पैकेट में बंद सब्जी लेने का जनता से आह्वान किया है, लेकिन पैकेट में आ रही 100 रुपए की सब्जी पर्याप्त नहीं है। पैकेट में 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज और 5 मिर्च मिल रही है। कोरोना वायरस से फैलने वाली गंभीर बीमारी को रोकने के लिए प्रशासन ने पैकेट में बंद सब्जी लेने का जनता से आह्वान किया है। लोगों का कहना है कि पैकेट में 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, 2-3 लौकी, छोटे छोटे 2 नींबू और 5 हरी मिर्च मिल रही है। इतनी सब्जी 100 रुपए में महंगी है। सब्जी में सड़ी हुई सब्जी मिक्स करके आलू, प्याज, 2 नींबू, 3-4 मिर्च, लौकी छोटी छोटी 2-3 जो दे रहे हैं उसमें भी सड़ा हुआ, आधा माल सड़ा हुआ है। कितना कितना रुपए का माल हुआ वो? ज़्यादा ज़्यादा 30 या 40 रुपए के भीतर माल है। कीमत कितनी है उसकी? 100 रुपए। क्या ये सही है या गलत है? ये तो लूट है, गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, लूट है। प्रशासन ने पैकेट बंद सब्जी लेने के लिए एरिया वाइज मोबाइल नंबर जारी किए हैं। हर क्षेत्र का व्यक्ति घर बैठकर फोन कर सब्जी मंगा सकता है। लोगों का कहना है कि पैकेट में मिल रही सब्जी सही नहीं निकल रही है, इसके साथ ही 100 रुपए में काफी महंगी है सब्जी। इनका देख के मेरी हवा खराब हो गई। अगर इस तरह की सब्जी आदमी ना खाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो जिस तरह का पैकेट आ रहा है उन्होंने दिखाया मेरे को, भाई साहब मेरी तो हवा खराब हो गई। इस तरह से प्रशासन ना दे तो ज्यादा ही बढ़िया। अरे भाई लौकी हो गई थोड़ी सी, पता ही नहीं चल रहा वो क्या वजन का हिसाब क्या। अगर मान लो किसी ने कुछ और खाना है, खाली लौकी थोड़ी रोज खाता रहेगा, तो वो प्याज भी उसमें आ रहे हैं, हरी मिर्ची ऐसे 2-4 टुकड़े वैसे डाल दिए और 4 मिर्चें के साथ 3 किलो लौकी में काम कर जाएंगी। तो फिर वही तो बता, यही तो पूछा जा रहा है, किससे पूछ के किस हिसाब से बनाई जा रही है, पैकेट बनाए जा रहे हैं, ठीक नहीं है, फेल है, ये कोई मतलब नहीं है, इस तरह नहीं हो पाएगा काम। लोगों का ये भी कहना है कि फोन करने पर हर पैकेट में एक ही तरह की सब्जी आती है, अगर किसी परिवार में प्याज नहीं खाई जाती है तो वो फेंकनी पड़ेगी। 100 रुपए में कई दिन की सब्जी मिलती थी, लेकिन पैकेट में एक ही दिन की सब्जी मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। मैंने जब अपने यहाँ बाबा के यहाँ पैकेट आया था तो उसे देखा, देखते ही मेरा दिमाग ठनका। मैंने ये सब्जी तो किसी भी कीमत में अगर किसी ने खोल के पैकेट देगा तो कभी नहीं लेगा, और इस तरह की जो है सप्लाई तो बेकार है, उसका कोई मकसद पूरा नहीं होता है। अब यहाँ ठेल वालों से लेते हैं, ताज़ी मिल जाती है, अब जैसे भी है नहीं खाएंगे सब्जी, दाल से चला लेंगे काम, लेकिन इस सब तरह की सब्जियों का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर क्वालिटी दे तो अच्छी दे, वरना घर में देने का कोई मतलब नहीं, उसको लिहाजा गाय को खिलानी पड़ती है। तो अब यह है कि एक तो पैसे जब डबल जा रहे हैं, दूसरा घर में वो जो आता नहीं काम, जिसके भरोसे बैठे रहते हैं कि सब्जी आएगा बनेगा, देखते हैं खोल के तो उसमें कुछ नहीं निकलता, सब खराब माल है। बलकेश्वर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़ी गली मिल रही सब्जी खाने लायक नहीं है, जिससे सब्जी को फेंकना पड़ता है। प्रशासन द्वारा पैकेट में बंद सब्जी लेने का निर्णय गलत साबित हो रहा है। एक बार सब्जी मंगाने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा सब्जी मंगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उमेश शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।